हेलो फ्रेंड्स, आई अमिताभ राजपूत वेलकम्स यू इन आयुष्मान क्लासेस। हम लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो पीजीटी मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था दिसंबर 2017 में, उसका हम लोग मैथमेटिक्स पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारे पास पेपर जो है उसका कोड है बुकलेट कोड ई। हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 158 तक के सॉल्यूशंस को मैंने ऑलरेडी 15 लेक्चर्स में अपलोड कर दिया है। आपने अगर उन सॉल्यूशंस को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन सॉल्यूशंस को देखिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 159 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 159? द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन दिस वेक्टर इज व्हाट? एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन। देखिए, एक वेक्टर है ये, दिस इज द वेक्टर ए, है ना, एंड दिस इज द वेक्टर बी। हम लोग अगर वेक्टर ए को बी के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें, इसको हम लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं, है ना। जो हमारा ए पी बना, ए पी इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो ए का बी पे प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी हम लोग डिफाइन करते हैं ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है और जिस पे प्रोजेक्शन निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से हमको डिवाइड करना है। तो अगर देखिए, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालें तो दोनों वेक्टर क्या क्या है मैं यहां पर लिख देता हूं। ये पहला वेक्टर i माइनस टू जे प्लस के, और जो हमारा दूसरा वेक्टर है डॉट प्रोडक्ट कितना, 4i माइनस 4j प्लस 7k। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई वॉट, डिवाइडेड बाई सेकेंड का मैग्नीट्यूड, मतलब अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। ठीक है, लेकिन दोनों का डॉट प्रोडक्ट का, डॉट प्रोडक्ट में कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 इंटू 1 कितना आ गया 4, माइनस 2 इंटू माइनस 4 कितना हो गया 8 और 7 इंटू 1 कितना हो गया 7। ठीक है, और डिवाइडेड बाई अंडर रूट ये कितना हो गया 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 6 21, है ना, बचा कितना 2, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 7 प्लस 1 8, 81 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 9, और ये कितना हो गया 12 और 7 19। तो ए का बी प्रोजेक्शन कितना आ गया 19/9। इस तरीके से 19/9 ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और बाकी सभी ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 159। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 159, 3D से लिया गया है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से ये क्वेश्चन लिया गया है। अ स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वाई एक्सिस एट जेड एक्सिस इंक्लाइंस विद एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ व्हाट? एक लाइन है, है ना, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक लाइन है जो सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। वो बोला जा रहा है स्ट्रेट लाइन विच मेक्स 60 डिग्री विथ वाई एंड जेड, वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री बनाता है और जेड एक्सिस के साथ भी 60 डिग्री बनाता है। पूछा जा रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि एल को हम लोग बोलते हैं एल एम एन, तीन चीजें होती हैं एल एम एन, जिसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन इस लाइन के बोलते हैं। उसका फार्मूला होता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अल्फा बीटा का गामा क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से बनाया गया एंगल है। अगर हमने कहा कि एल एक्स एक्सिस से बनाया गया एंगल है जो कि हमें पता करना है, ठीक है, एल तो हमें एंगल पता करना है। ठीक है, कॉस बीटा की बात करें तो वाई एक्सिस एंगल 60 बनाया, कॉस 60 की बात करें और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसी तरीके से गामा कितना 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। ठीक है, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, एक रिलेशन होता है डायरेक्शन कोसाइन में, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर एल स्क्वायर तो एल स्क्वायर हुआ और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की बात करें तो 1/4 प्लस 1/4 मतलब 1/2 हो गया। ये सबट्रैक्ट करें तो एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। तो यहां से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल इज इक्वल टू 1/√2, एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, दो वैल्यूज आएंगे, दो सेट पॉसिबल है। तो अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लिए एल इज इक्वल टू 1/√2, तो यहां से हमारा जो कॉस अल्फा हुआ, कॉस अल्फा कितना हो गया 1/√2, तो यहां से अल्फा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सभी एक्यूट एंगल्स की बात की गई है, तो इसमें माइनस साइन को हम निगलेक्ट कर दे रहे हैं।
पॉजिटिव साइन लेते हैं तो कॉस अल्फा 1 बाय √2 अल्फा इज इक्वल टू 55 डिग्री। इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और बाकी सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। अब इनको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160। देखिए क्या है क्वेश्चन, लेट ए बी एंड सी बी थ्री वेक्टर्स सच दैट ए डॉट बी प्लस सी प्लस बी डॉट सी प्लस ए प्लस सी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1 मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 4 मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू 8 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए अगर हम ए प्लस बी प्लस सी जो दिया हुआ है, देखिए एक फार्मूला हमको मालूम होता है कि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए ए डॉट ए तो क्या मिलता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें कि अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर की बात करें, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, कौन से फॉर्मूले से, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है। मैंने ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिला। अब देखिए इसको हम ओपन कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ए को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो पहले ए का डॉट प्रोडक्ट हम ए के साथ लेंगे, ए डॉट ए कितना मिलेगा मुझे मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस, फिर ए का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी और सी के साथ कंबाइंड लेंगे। इस बात को हम कैसे लिखेंगे, ए डॉट बी प्लस सी। ठीक है, ए का हो गया, अब आगे बात करते हैं प्लस बी को हम शुरू करते हैं। बी का पहले डॉट प्रोडक्ट मैंने लिया बी के साथ, बी डॉट बी कितना मिल गया मॉड ऑफ बी स्क्वायर, फिर प्लस अब बी का डॉट प्रोडक्ट मैंने ए और सी के साथ कंबाइन लिया बी डॉट सी प्लस ए और प्लस बी का हो गया। अब सी के बारे में बात करें, सी का डॉट प्रोडक्ट पहले मैंने सी के साथ लिया तो सी डॉट सी इज इक्वल मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी के साथ तो सी डॉट ए प्लस बी। अब देखिए अगर इन चीजों को मैं ध्यान से देखूं, ए डॉट बी प्लस सी प्लस बी डॉट सी प्लस ए प्लस सी डॉट ए प्लस बी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ दिस इज इक्वल टू 0, ये तो 0 हो गया। क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर कितना हो गया 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर कितना हो गया 64। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया 81, ये तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिला। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाले दो तब स्क्वायर रूट ले लें तो ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो कितना मिल जाएगा 9। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और बाकी सभी ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे के सॉल्यूशंस को लेकर फिर से हाजिर होऊंगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।